दूसरा जुड़ी हुई आईब्रोज को लोग शादी से पहले कट करते हैं, मैंने देखा जो लड़कियों की हमें मिल जाती है वो बोलते शादी से पहले उसमें गैप कर लेना। याद रखिए ये क्या कोई शादी का क्राइटेरिया है, मतलब है कैसे वो क्राइटेरिया कि शादी से पहले आईब्रोज अलग अलग हो जाए तो ही शादी होंगी, नहीं है ना। जैसे फालतू बातें हैं, किसी का आईब्रोज खुली होती है, किसी की मिली हुई होती है, किसी की मोटी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बारीक होती है, किसी की बहुत बारीक होती है, किसी की नहीं होती। अब मुसीबत ये कि नहीं भी है तो परेशान है भी तो परेशान। इंसान किसी भी हाल में खालिक का शुक्रगुजार नहीं बनता अपने रब का, है ना। नहीं है तो देखो माँ इतनी हल्की आईब्रोज समझ में नहीं आ रहा, जिसको देखो इतनी मोटी है इनकी एकदम बिल्कुल रीच के सी, इनको कम नहीं करा रहे। हर तरफ से इंसान परेशान है। जो अल्लाह ने दिया देखिए उसमें खुश रहिए, मरने के बाद हम फिर से अल्लाह के पास जाएंगे, फिर से हम ऐसे उगेंगे जैसे सब्जियां उगती है और इतने खूबसूरत बन जाएंगे हम जिसकी कोई इंतहा नहीं। हर किस्म का डिफेक्ट हमारे जिस्म से निकल जाएगा, हर औरत खूबसूरत बनेंगी। हदीस में आता है औरतें हूरों की सरदार होंगी जन्नत में, हूरों से खूबसूरत होंगी बीवियाँ मतलब जो होंगी। तो वो खूबसूरती चाहिए या दुनिया में लानत वाला अमल चाहिए?